हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बढ़िया आम रस। बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाएंगे, जो खाने के लिए ना बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके साथ साथ हम बनाएंगे बढ़िया सा पूरी, जो कि समर का टाइम में खाने के लिए एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही यम्मी बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहिए तो इसमें मैदा और सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप पूरी थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो। इसका अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा जो है ना नमक ऐड कर दिया है, और इसे बढ़िया से हमको मिक्स कर देना है। और पूरी थोड़ा सा आपको सब चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए करीब 1 बड़े चम्मच जैसा तेल इसमें ऐड कर दिया, और इसे अच्छा से मिक्स कर देना है आटा के साथ। हम जो आज पूरी बनाएंगे, ये जो सभी का घर में जैसा कि नॉर्मल पूरी बनता है वैसे ही बिल्कुल बनेगा। तो इसके साथ देखिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना इसे गूंथ लेना है। तो बिल्कुल सारे पानी एक ही साथ ऐड मत कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे आपको गूंथ लेना है। तो देखिए पूरी बनाने के लिए आपको जो डो बनाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इसे स्ट्रांग रखना है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, मीडियम में रखना है, तभी आपका पूरी जो है ना बढ़िया बनेगा और ये बढ़िया सा सॉफ्ट रहेगा, मेंटेन करेगा, इसका टेक्स्चर जो है बढ़िया रहेगा। तो आखिरी में हम देखिए थोड़ा सा इसका ऊपर जो ना तेल डाल देते हैं, और इसे इसे बढ़िया सा मिक्स करके ये छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये बढ़िया सा एकदम पूरी के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइड में एक रख देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक मैंगो लिया है, तो मैंगो का सीजन है, तो आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं जो मीठा वाला है, बहुत वेराइटी मिलता है अभी मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने अल्फांसो मैंगो लिया है, तो ये थोड़ा सा मीठा है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा देखिए येलो जैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही मीठा होता है। तो इसका छिलका आपको निकाल देना है, और इसका आपको बढ़िया सा पेस्ट बनाना है। तो देखिए जब आप मैंगो खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर फ्रिज नहीं है तो आप इसे पानी में भी 1 घंटा इसे अंदर डुबा के रख दीजिए। इससे क्या होता है कि इसका अंदर जो भी गर्मी है ना वो निकल जाता है, और पेट के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप डायरेक्ट कभी भी मैंगो मत खाइए, फ्रिज में रख के खाइए, नहीं तो अगर फ्रिज नहीं है तो आप इसे एक बकेट में डाल दीजिए पानी के साथ, और ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। डायरेक्ट मत खाइए क्योंकि इसमें कभी कभी केमिकल भी ऐड होता है। तो आपको इसे छोटा छोटा काट लेना है, और इसके बाद आपको मिक्सर में इसे पीस लेना है, नहीं तो आप इसे जो पक्का वाला मैंगो आता है ना उसे भी आप बना सकते हैं, छलनी में आपको घिस के उसका जो रस है ना उसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर मिक्सर में डाल के इसे एकदम बढ़िया सा ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगा। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालता हूँ, ये ऑप्शनल है, और यहाँ पर थोड़ा सा आइस क्यूब डालता हूँ एक्स्ट्रा कोल्ड के लिए। और इसके साथ साथ नॉर्मल जो दूध होता है ना, तो मैंने 1/2 कप इसमें डाल देता हूँ, और यहाँ पर 1.5 बड़े चम्मच जैसे चीनी में ऐड कर देता हूँ। तो आप आपका हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं, जो भी मीठा आप खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैंगो प्यूरी ये बनकर रेडी है, एकदम आपको महीनी पीस लेना है, एकदम फाइन पीस लेना है आपको इसे, और इसे एक बर्तन में हम डाल देते हैं। जब तक हमारा पूरी नहीं बन जाता है तब तक के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, तभी हमारा ये जो मैंगो प्यूरी वो भी ठंडा हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, और यहाँ पर हम आटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा भी बढ़िया नरम हो चुका है, तो थोड़ा सा हम और गूंथ लेते हैं। बढ़िया सॉफ्ट हो गया, देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है, ना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है ना ज़्यादा नरम हुआ है। तो आपको इसी कंडीशन में रखना है, पूरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब परफेक्ट पूरी शेप आएगा इसमें। और यहाँ पर देखिए हम ऑयल गर्म कर लेते हैं, तो चलिए तेल गर्म होने दीजिए, तब तक के लिए हम पूरी बेल लेते हैं। तो सबसे पहले पूरी बेलने के लिए आपको ये बेलन चाहिए, और हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल लिया है, तो इसमें कोई भी मैदा और आटा यूज नहीं करेंगे, इससे क्या होता है कि तेल जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब बेलने से पहले आपको जो आटा है ना आपको थोड़ा सा रोलिंग कर लेना है, उसके बाद आपको इसे रुई काट लेना है। तो आपको इस तरह से काटना है, नहीं तो आपको चाकू में भी काट सकते हैं, और जहाँ पर आपने कट किया है उसी से दोनों साइड को पकड़ के आपको इसे रोलिंग कर देना है, मतलब गोल गोल बना लेना है। तो इसका रीज़न है यह है कि कभी पूरी मतलब बहुत ही गोल तो बनता है और ये फटता नहीं है, मतलब साइड से ना उसका क्रैक नहीं आता है। तो आप देखिए थोड़ा सा तेल आप लगा लीजिए, आप देख सकते हैं पूरी का शेप कितना बढ़िया आ रहा है, तो साइड में कोई भी आपको क्रैक मतलब फटने जैसा ये दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, और आप आराम से इसे बेल सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूरी बेल लीजिए, तो ज़रूर आप तेल लगाइए, घी लगाइए, कोई बात नहीं, एकदम बहुत ही बढ़िया पूरी बनेगा। तो पूरी को आप ज़्यादा पतला मत कीजिए, यह ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल टेम्परेचर भी काफ़ी गर्म हो चुका है,
क्योंकि पूरी मतलब फुलाने के लिए आपको ऑयल जो है ना थोड़ा सा अच्छा से गर्म होना चाहिए, तभी आपका जो पूरी है ना एकदम बढ़िया सा बैलून जैसा फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरी ऑयल में छोड़ देने के बाद आपको थोड़ा सा इसे प्रेस कर देना है, हल्का प्रेस करना है और उसके ऊपर ऐसे ऑयल आप छोड़ दीजिए। तो ये क्या होता है कि एकदम बढ़िया सा बैलून जैसा फूल एकदम बढ़िया सा फूलता है, सारे पूरी जो है ना आपका फूलेगा, कोई भी एक पूरी जो है ना फेल नहीं मारेगा। तो आपको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद आपको इसे निकाल दीजिए, बस इस तरह से आप पूरी बनाइए और खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम नॉर्मल पूरी है। और ज़्यादा क्रिस्पी पूरी जो है ना मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम उसको तोड़ेंगे तो ये एकदम मतलब क्रिस्पी हो जाएगा ना, तो ये सब गिर जाएगा मतलब टूट पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्रिस्पी पूरी बनाता नहीं है, सिर्फ पानी पूरी बनाता हूँ, वो मेरे को पसंद है, वो थोड़ा सा क्रिस्पी करता हूँ। तो इस तरह से आपको सारे पूरी जो है ना बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा पूरी भी रेडी है, तो अभी हम इसे प्लेटिंग करेंगे। और आम का सीज़न है, बहुत सारे वेराइटी आम मिलता है, तो आपको जो भी आम पसंद है आप इसे रस बनाइए और पूरी के साथ खाइए, बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे, मतलब सभी को बहुत ही अच्छा लगता है रेसिपी। मैं तो बहुत बार इसे बना के खा चुका हूँ इस सीज़न में, तो आप ज़रूर इसे घर में बनाइए। ये रेसिपी ना बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी। तो इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए तो इसका ऊपर मैं थोड़ा सा बादाम और पिस्ता काट के डाल देता हूँ, तो ये बढ़िया सा हमारा हेल्दी डिश बनकर रेडी हो गया है। तो रेसिपी अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।